गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रभात कुमार, आई एम योर मैथ टीचर। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास थ्री मैथ्स। लेट अस स्टार्ट। बच्चों, आज हम क्लास थ्री के मैथ में एक्सरसाइज फोर भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग फोर ए पढ़ चुके हैं पहले वाला क्लास में, तो फोर बी में आपको पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड एंड ऐड। एक्सपेंड यानी एक्सपेंडेड फॉर्म जो पढ़े हुए हैं, विस्तारित रूप यानी विस्तार करना इसको और इसको ऐड करना है। अब क्वेश्चन वन है 35 ऑफ 63 को ऐड। तो पहले बच्चों इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे 35 को। तो इसमें वंस टेंस यानी थ्री टेंस यानी 30 और फाइव वंस अलग कर दिए, इसको एक्सपेंड किए और इसको एक्सपेंड करेंगे तो सिक्स टेंस और थ्री वंस है, तो इसको लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद बच्चों टेंस को टेंस के साथ ऐड करेंगे, वंस को वंस के साथ ऐड करेंगे। तो इसमें कितना हुआ, थ्री टेंस फाइव वंस, इसमें सिक्स टेंस सिक्सटी प्लस थ्री, ठीक है। तो 30 और 60 को एक साथ ऐड किए और 5 और 1 3 को एक साथ ऐड किए, तो 30 और 60 को ऐड किए तो 90 आया और 5 और 3 को ऐड किए 8 आया, तो 90 प्लस 8 98। ये आपका टू डिजिट का हुआ। ये है आपका एक तो नेक्स्ट एग्जांपल थ्री डिजिट का, 261 और 125। इसको एक्सपेंड फिर करेंगे तो इसमें क्या है, 200 के प्लेस पर 200 प्लस 60 प्लस 1, फिर इस तरह 125 है, तो 100 प्लस 20 प्लस 5 तीनों के एक्सपेंड कर दिए। इसको एक्सपेंड करने के बाद बच्चों हम करेंगे क्या, 100 को 100 के साथ, टेंस को टेंस के साथ और वंस को वंस के साथ लिख देंगे और तब ऐड करेंगे। तो लिख दिए 200 100 6 10 2 10, यहाँ हो गया 1 और 5, तीनों को लिखे अलग अलग कॉलम में। अब 200 प्लस 100 300 60 प्लस 20 80 हो गया, 1 प्लस 5 6 हो गया। अब तीनों को ऐड करेंगे तो 386 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर वन में आपको जब जितने भी इस टाइप से क्वेश्चन होंगे बच्चों, उसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है, अपने नोटबुक में बनाना है। और क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि ऐड, ये भी ऐड है बच्चों, लेकिन यहाँ एक्सपेंड नहीं करना है। इसको सिंपल ऐड एक कॉलम में दिया हुआ है, एक बॉक्सेस में, इस बॉक्स को ऐड करके इस बॉक्स में फिल करना है। यहाँ 22 प्लस 36, तो टू पहले वंस वंस को ऐड करते हैं फिर टेंस टेंस को, तो वंस क्या है टू, इसमें सिक्स टू एट लिख दिए, इसमें टू फिर टेंस की जगह टू है और इसमें थ्री है, टू थ्री 58 यानी 22 प्लस 36 इक्वल टू 58। आपको एक थ्री डिजिट है और एक टू डिजिट का ऐड है, तो इसको हम देखेंगे इसमें बच्चों कि इसमें वंस टेंस ही है, इसमें 100 तक है, लेकिन केवल वंस टेंस ही ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करके इसको हम क्या आता है, तो इसको वंस के साथ इसका वंस करेंगे तो 6 प्लस 2 8, इसका टेंस 3 है, इसका वंस इसका टेंस 1 है, तो 3 1 4 और वंस क्या है, यहाँ 1 लिख देंगे, 148, तो 136 प्लस 12 148। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें थ्री डिजिट दोनों है, तो 176 प्लस 600, तो बच्चों फिर उसी तरह ऐड करेंगे हम, देख लाइन में वंस वंस तो सिक्स, तब जानते हैं कि किसी नंबर के साथ जीरो का ऐड कर तो वन नंबर ही होता है, तो 6 प्लस 0 6 7 प्लस 0 तो 7 और 1 प्लस 6 तो 7। ये आपका क्वेश्चन आ गया कि 176 प्लस 600 अबाउट 776, ये आपको क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से आपके इस एक्सरसाइज में 4B में जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको आप समझ के इस तरह से बनाया है, पहले वाले को एक्सपेंड करके ऐड करना है और दूसरे वाले को सिंपल ऐड करना है, इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। तो आप इसको आप अपने नोटबुक में बनाएंगे, इसके बाद हम अगला इससे आपके एक्सरसाइज 4B समाप्त हो गया, फिर 4C अगला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।